अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से मुख्तलिफ और थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा किया, पहले क्रिकेट के ज़रिए और अब फाउंडेशन के थ्रू मैं कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं और मैं आज भी इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर होकर मैं क्रिकेट शुरू की मैंने। अगर वो नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं क्रिकेट में जो अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया वो नहीं हासिल होता मुझे। 1992 का वर्ल्ड कप हमारी यादें हैं जी, और एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम के साथ उन्होंने लीडरशिप दिखाई अपनी, और क्योंकि जो लीडर होता है उसका विजन होता है एंड देन पे टीम, असल जो टीम की हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि टीम होती है जो इम्प्लीमेंट करती है अपने लीडर के विजन को लेके चलती है, और वो वर्ल्ड कप हम जीते और एक सियासतदान की हैसियत से इनके अच्छे कामों की हमेशा मैंने तारीफ़ की और आगे भी करता रहूँगा। उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव, शौकत खानम की अगर बात की जाए या जब वो हकूमत में आए तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो सेहत कार्ड का इनिशिएटिव था वो बहुत ज़बरदस्त था। बारहा ये मैंने बात की है कि किसी की भी हकूमत हो उनको 5 साल ज़रूर मिलने चाहिए और इसी की परफॉर्मेंस को अवाम में ले जाके वोट लेने चाहिए। मैंने कभी इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है, फिर भी इनकी किसी पॉलिसी या सोच के इख्तलाफ का हक मुझे बिल्कुल हासिल है। लेकिन इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक दूसरे के इख्तलाफ को नफ़रत में बदलना नहीं चाहिए। इख्तलाफ को बर्दाश्त करना एक मुअज़्ज़ब माशरे की निशानी है। मैंने तमाम बातें सियासी नज़रिए को मद्देनज़र रख कर नहीं की, बल्कि एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने ख्यालात का इज़हार किया आप लोगों से और आगे भी करता रहूँगा। हम सबको हक हासिल है और हम सबको इस हक का ख्याल रखना चाहिए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पे मैंने मुबारकबाद दी। मुझे पता था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा मेरे ऊपर, इसके पीछे कोई सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं है। हमारे मुल्क का जो भी सरबराह हो हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। तो अगर हम अपने मुल्क की इज्जत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने तमाम हुक्मरान, जिस वक्त भी वो हुकूमत में आते हैं, उन सब की इज्जत करनी चाहिए ताकि दुनिया उनकी इज्जत करे। मैं ख़ास तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका रोल हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और उनसे मिलके खुशी होती है कि वहाँ सात समंदर पार बैठ के भी पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं, और अगर वो इतना दूर मुल्क से रह के पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं तो हम जो पाकिस्तान में रहते हैं क्या हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते? क्या हम एक हो के साथ नहीं चल सकते? चल सकते हैं। अगर आपकी चाहत हो तो हर चीज़ हो सकती है। असल चीज़ हमारी चाहत की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।